भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पहली बार संताल परगना के सभी 6 जिलों का दौरा करेंगे। वे 4 सितंबर से 10 सितंबर तक संताल परगना के देवघर, गौड़ा, दुमका, जमताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान संताल परगना के सभी 18 विधानसभा की भौगोलिक व सांगठनिक परिस्थितियों की समीक्षा भी होगी। दीपक प्रकाश 4 सितंबर को देवघर भी पहुंचेंगे। इस दिन देवघर विधानसभा की बैठक भी करेंगे, जिसके बाद सारठ और फिर मधुपुर विधानसभा की बैठक की समीक्षा करेंगे। इन बैठकों के बाद अनुसूचित जाति के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात भी होगी। दीपक यहाँ स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात करेंगे। जिला स्तर के सभी मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री, आईटी और सोशल मीडिया सेल की गतिविधियों का भी फीडबैक अलग से लेंगे। दीपक देवघर के संघ कार्यालय में भी जाएंगे। इसके बाद 5 सितंबर को गोड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। गोड़ा जाने के क्रम में दुमका के कोठिया चौक व सरेहाट में उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। बहरहाल प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर भाजपा की ओर से उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। सोमवार को कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर लुईस मरानी की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष निवास मंडल ने अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष के जोरदार स्वागत की रूपरेखा भी तय की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।